हेलो गाइस, मैं हूँ मीनू काबरा। आप वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बताने जा रही हूँ आपको सिंपल सा मूली इसका अचार। ये है मूली जो मैंने कट करके यहाँ पे रख ली है। इसको मैंने इतने लंबे पीसेस में कट किए हैं, लंबे पीसेस में मैंने सुबह ही ये कट करके रख दिए थे। और इसको मैंने थोड़े से धूप में सुखाए हैं जिससे थोड़ा इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। 2 घंटा आप इसको धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद 2 घंटे के बाद इसको ले आए, इसका पानी सारा निकल जाएगा। ये है मिर्ची, मिर्ची कट करके रखी है। इसके लिए हमें चाहिए तेल, ये है पिसी हुई सौंफ, और ये है राई पिसी हुई। इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक और मिर्च। इसमें हमने तेल चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है क्योंकि कड़वा तेल है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे तब जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये जीरा एकदम थोड़ा सा काला हो जाएगा तब इसका मतलब आपका ये तेल रेडी है। इसमें हम और सामान इंक्लूड करेंगे। ये देखिए हमारा ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ। तेल में ही हमें सौंफ डाल देनी है जिससे अच्छी से सौंफ आपकी सिक जाएगी। ये हमने डाल दिया यहाँ पे राई। अब हमने इसमें डालनी है हल्दी स्वाद अनुसार कलर के लिए, और इसमें हम डालेंगे मिर्च। इसे हम अच्छे से हिला ले पहले, उसके बाद हम इसमें मिर्च डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया मिर्च। हमने गैस को बंद कर दिया क्योंकि अब हमें इसमें गैस चलाने की जरूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें डाली है मूली। मूली को हम अच्छे से मिक्स करके नमक स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा ये अचार एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसे गरम गरम सब्जी के साथ, पूड़ी के साथ सब खा सकते हो। ये आपका एटलीस्ट हमने ये 10 डेज के हिसाब से बनाया है। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। आप इसे स्टोर में स्टोर कर सकते हो फ्रिज में आराम से। आप इसको 10 डेज खा सकते हो। आप 10 डेज बाद इसको वापस बना लो। ये मतलब ठंड की चीज़ है, ठंड में ही बनाने वाली चीज़ है और ये बहुत अच्छा अचार बनता है। ये देखिए ये अचार हमारा रेडी है। इसे आप गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं किसी के साथ भी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।